हाय डियर स्टूडेंट, मायसेल्फ आरके ठाकुर फ्रॉम इंजीनियर्स क्लासेस फॉर कंपटीशन। आज का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं फॉर द टॉपिक स्प्रिंग्स। राइट, हमने टॉर्जन ऑफ शाफ्ट कंप्लीट कर लिया था विद थ्योरी डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। अब हम स्प्रिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिकल कॉम्पोनेंट है इसके बारे में आज के वीडियो में लर्न करेंगे। डियर स्टूडेंट, स्प्रिंग जो टॉपिक है आपका चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंस की जहां तक बात है तो मैं बता दूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जितना वेटेज टॉर्जन का होता है उतना ही वेटेज उस टॉर्जन के ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड स्प्रिंग का होता है डियर स्टूडेंट। और चाहे ये स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल हो, इवन इसका एक्सटेंशन मतलब इसका और ज्यादा डाइवर्सिफाइड फॉर्म में स्प्रिंग को हम मशीन डिजाइन में भी स्टडी करते हैं। तो मैकेनिकली मैं ये बताना चाहूंगा कि स्प्रिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की बात करें, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी, जेई, एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल, सोम, बीटेक एंड डिप्लोमा लेवल सेमेस्टर सब्जेक्ट्स डियर स्टूडेंट, गेट और आईएएस, इन सब में ये जो स्प्रिंग है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का जो स्प्रिंग टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अच्छे से यहां पे स्प्रिंग को लर्न कर लिया तो आपको मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एक और सब्जेक्ट आता है मशीन डिजाइन, जहां पे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ही सारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं उसको यूज करके स्पेशलाइज जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं उस पे अप्लाई करके हम उसके उसे डिजाइन को स्टडी करते हैं। तो वहां पे आपको काफी फायदा होगा डियर स्टूडेंट। राइट, सो आप वन लाइन में ये याद रखो कि स्प्रिंग मैकेनिकल के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, व्हेन इट कम्स टू सिविल इंजीनियरिंग डियर स्टूडेंट, तो सिविल इंजीनियरिंग में भी स्प्रिंग के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आते हैं। सब्जेक्टिव में इसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है सिविल में, बट मैं आपको बताऊं कि वो ये केस टू केस वेरी करता है, मतलब एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। जैसे एसएससी जेई मैकेनिक, एसएससी जेई पेपर टू सिविल में ये अभी तक पूछा नहीं है, इवन मैकेनिकल में भी अभी तक पूछा नहीं गया है, जबकि मैकेनिकल में ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बट ऑब्जेक्टिव में ये मोर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं और इवन सिविल में भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। राइट, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग पे, तो आइडिया इज कि सिविल के लिए कंपैरेटिवली ये आपका थोड़ा सा कम वेटेज होता है, बट अगर आप एग्जाम टू एग्जाम ये वेरी करता है। अगर आप ए लेवल एग्जाम को टारगेट करोगे तो डेफिनेटली वहां पे इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो एज अ होल डियर स्टूडेंट आप समझ सकते हो कि स्प्रिंग जो कि एक मैकेनिकल कंपोनेंट है ये ऑलमोस्ट हर एक सिस्टम में यूज किया जाता है और इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है डियर स्टूडेंट। और इसका जो डिजाइन है, आपने जहां पे भी स्प्रिंग देखा होगा आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर स्प्रिंग फेल हो जाए तो उस सिस्टम का क्या हाल होगा। राइट, आपके बाइक या कार का शॉकर फेल हो जाए जो कि स्प्रिंग बेसिकली अगर मान लो ब्रेक हो जाए तो क्या हाल होगा, आप समझ सकते हो पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहने का ये मतलब है कि इसका डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट फॉर नॉलेज ऑल्सो, बिकॉज इंजीनियरिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम अपने वीडियो के आउटलाइन पे आते हैं कि हम आज के वीडियो में क्या क्या अंडरस्टैंड करेंगे स्प्रिंग के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा सिलेबस है, जो बीटेक डिप्लोमा लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या गेट और आईएएस के जो सिलेबस को आप देखोगे ना, तो मोर और लेस जो आपका है वो लगभग कॉमन है, 5-10% का डिफरेंस हो सकता है, लगभग कॉमन है। सबसे पहले हम स्प्रिंग को समझेंगे, स्प्रिंग के कुछ बेसिक टाइप्स समझेंगे, क्योंकि स्प्रिंग में डिफरेंट बहुत सारी वैरायटी होती है, बट आपको वो सारी वैरायटी नहीं स्टडी करनी है। यहां पे आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्प्रिंग्स के डिजाइनिंग और उसके फंक्शनिंग और उसका जो एनालिसिस है वो अंडरस्टैंड करना, जिसमें ऑब्वियसली सबसे ज्यादा यूज होता है डियर स्टूडेंट हेलिकल स्प्रिंग। सो हम हेलिकल स्प्रिंग के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और हेलिकल स्प्रिंग में भी क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। राइट, और इसके अलावा एक और टाइप के स्प्रिंग है जिसको हम बोलते हैं लीफ स्प्रिंग और लैमिनेटेड स्प्रिंग और यू कैन से कैरेज स्प्रिंग, जो कि कमर्शियल व्हीकल्स में ऑटोमोबाइल में यूज होता है डियर स्टूडेंट, वो भी बेसिकली एक टाइप का लीफ स्प्रिंग है वो, और वो हेलिकल नहीं होता, उसके उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं और वो भी आपके स्कोप में है। तो हम मेजरली दो टाइप के स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग राइट और लीफ स्प्रिंग, इन दो पे फोकस करेंगे और इन दोनों का जो कंप्लीट एनालिसिस होगा ना डियर स्टूडेंट वो मोर और लेस
हेलिकल स्प्रिंग तो पूरा पूरा टॉर्जन पे बेस्ड है, जो हमने टॉर्जनल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था, और जो लीफ स्प्रिंग है वो बेंडिंग ऑफ बीम पे बेस्ड है डियर स्टूडेंट, क्योंकि लीफ स्प्रिंग को आपने देखा होगा कि वो ऑलमोस्ट बीम की तरह होता है और उस पर ऊपर से लोड लगता है, तो उसकी जो एनालिसिस है उसमें बेंडिंग ऑफ बीम ज्यादा होता है। राइट, नाउ हम स्प्रिंग के टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे। डियर स्टूडेंट, स्प्रिंग एक, अगर आप देखोगे तो वायर से वाउंड एक हेलिकल फॉर्म का एक स्प्रिंग है, तो उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जो कहीं और यूज नहीं होता, वो सिर्फ स्प्रिंग में यूज होता है। तो हम स्प्रिंग के टर्मिनोलॉजी को स्टडी करेंगे और फिर उसपे थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट्स लगा के उसके बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे कि डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे, इसके अलावा अगर आप देखोगे स्प्रिंग इंडेक्स फाइंड करेंगे, राइट, और बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप देखोगे स्टिफनेस फाइंड करेंगे, शियर स्ट्रेस, जो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, उन सब का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मींस कुल मिला के स्प्रिंग में फॉर्मूला मैटर करता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, यही ब्यूटी है स्प्रिंग के न्यूमेरिकल की। राइट, सो स्प्रिंग के कनेक्शंस को देखेंगे, सीरीज में स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट, पैरेलल में कई बार कनेक्ट करते हैं, कई बार कंपाउंड स्प्रिंग होता है, मींस दो स्प्रिंग को एक दूसरे के अंदर बेसिकली कॉन्सेंट्रिकली फिट कर देते हैं, तो कंपाउंड स्प्रिंग भी हम इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि कभी कभी इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली एएमआई सेक्शन भी मैकेनिकल में। सो अगर आप, ये सारा हमारा स्कोप होगा डियर स्टूडेंट, और ये स्कोप को हम सबसे जो फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करते हैं कि स्प्रिंग है क्या डियर स्टूडेंट। तो देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये स्प्रिंग क्या है। तो डियर स्टूडेंट, स्प्रिंग एक कॉम्पोनेंट है, मैकेनिकल कॉम्पोनेंट है, जिसका मेन पर्पस है एनर्जी स्टोर करना। राइट, हालांकि इसका पर्पस प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, मतलब डिवाइस टू डिवाइस बदलता है। जैसे अगर आप देखो वॉच में जो हमारे स्प्रिंग्स यूज होते हैं, तो वॉच में जब हम चाबी को रोटेट करते हैं, चाबी भरते हैं, तो स्प्रिंग ट्विस्ट होता है और उससे उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और वही एनर्जी बेसिकली फिर वॉच को फर्दर रोटेशन में हेल्प करता है, मींस वॉच को फर्दर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, तो वहां पे एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होगी स्प्रिंग। राइट, अगर आप स्प्रिंग बैलेंसर में देखोगे, स्प्रिंग बैलेंसर में स्प्रिंग का पर्पस हो जाता है वेट मेजर करना। राइट, तो वहां पे उसका वेट मेजरिंग कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अगर डियर स्टूडेंट आप देखोगे क्लच में, राइट, क्लच में आप देख लो तो वहां पे क्लच में भी हम स्प्रिंग यूज करते हैं। राइट, तो वहां पे बेसिकली फोर्स एक्सर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। राइट, अगर आप वाल्व वगैरह में देखोगे, जो वाल्व स्प्रिंग सीटेड वाल्व होते हैं, वहां पे जो स्प्रिंग है वो भी बेसिकली फोर्स एक्सर्ट करने के लिए यूज होता है। सो बहुत सारा पर्पस है। अगर कैम और फॉलोअर में देखो स्प्रिंग लगा हुआ, तो वहां कॉन्टैक्ट बनाने के लिए यूज होता है। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि स्प्रिंग एग्जैक्टली इसका जो फंक्शन है वो प्लेस टू प्लेस, डिवाइस टू डिवाइस चेंज होता है, बट अगर हम एक सिंप्लीफाइड वे में बताएं तो स्प्रिंग जब भी आप यूज करोगे वो कंप्रेस या स्ट्रेच होगा, और इसमें वो अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करेगा। राइट, और ये जो एनर्जी स्टोर होता है वो बाद में फिर उसको रिलीज भी कर सकता है डियर स्टूडेंट, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिजिलियंस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था रिजिलियंस। तो स्प्रिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट खासियत होती है कि उसमें रिजिलियंस होता है, मींस फोर्स लगाओगे डिफॉर्म हो गया, एनर्जी स्टोर करेगा और फिर उसे एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये बेसिकली रेजिलिएंट प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग में। सो आई होप कि स्प्रिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। जब भी आप स्प्रिंग पे फोर्स लगा के उसको कंप्रेस या स्ट्रेच करते हो तो आप वर्क डन करते हो, और वही वर्क डन उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है डियर स्टूडेंट। सो अगर मैं स्प्रिंग की वेराइटी की बात करूं, स्प्रिंग के टाइप की बात करूं डियर स्टूडेंट, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग, राइट, सो हेलिकल स्प्रिंग में भी फिर आप देखोगे तो दो टाइप के होते हैं। राइट, एक है क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग, क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग, और दूसरा है डियर स्टूडेंट ओपन क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग। अब क्वेश्चन उठता है कि ये हेलिकल स्प्रिंग क्या है डियर स्टूडेंट। तो देखो, आपने देखा होगा मोस्टली जो स्प्रिंग हम यूज करते हैं वो इस शेप में होता है। अगर आपको मैं जस्ट एक कॉन्सेप्ट में बताऊं तो इस टाइप में वाउंडेड होता है, मतलब हेलिक्स के फॉर्म में होता है। तो ये जो डियर स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हो ना, ये यही बेसिकली क्या है, हेलिकल स्प्रिंग है। ये इस शेप में अगर स्प्रिंग है तो हेलिकल स्प्रिंग है।
राइट। अब हेलिकल स्प्रिंग में एक इसको हम बोलते हैं कॉइल, इसको हम क्या बोलते हैं कॉइल। तो ऐसे कई सारे कॉइल्स होते हैं इसमें, अगर आप देखो बहुत सारे कॉइल्स हैं। तो अगर कॉइल के बीच में, दो कंसेक्यूटिव कॉइल के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है तो उसको हम बोलेंगे क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। कहने का ये मतलब है कि अगर हेलिकल स्प्रिंग के कॉइल्स आपस में काफी क्लोज हो तो उसको बोलेंगे क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, और अगर दो कॉइल, दो कंसेक्यूटिव कॉइल के बीच डिस्टेंस थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा हो तो उसको हम बोलेंगे ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। मतलब अगर आप वैसे लेमैन कॉन्सेप्ट में समझो तो ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के जो कॉइल्स होते हैं ना उनके बीच में दूरी थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब स्पेसियस दिखेगा, गैप ज्यादा दिखेगा, और क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग काफी मतलब काफी क्लोज होते हैं कॉइल्स, तो इसलिए बहुत ज्यादा आपको दिखेगा नजदीक, एक कॉइल दूसरे कॉइल के बीच में काफी नजदीक होता है। सो ज्यादातर हम ये यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग हम ज्यादातर यूज करते हैं, बट जरूरत के हिसाब से ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग भी यूज करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट, दो कंसेक्यूटिव कॉइल के बीच जो डिस्टेंस है, इसी को कई बार स्प्रिंग की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं पिच, इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट पिच, पी। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर पिच बहुत कम होगा है ना तो आपका क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, एंड इफ योर पिच इज कंसिडरेबल, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब पिच कंसिडरेबल है, कंसिडरेबल है, तो आपका क्या है ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है। इसको कई बार दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करता है डियर स्टूडेंट, अगर ये हेलिकल स्प्रिंग है तो अगर आप देखोगे तो हेलिकल स्प्रिंग में ऐसे होता है राइट। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो कॉइल है ये ऐसे उठती है, तो अगर मैं इसको ऐसे लाइन ही ड्रॉ करूं तो ये एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ हेलिक्स, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ हेलिक्स या हेलिक्स एंगल। सो अगर हेलिकल है तो डेफिनेटली हेलिक्स एंगल होगा है ना, जिस एंगल पे हम इसको वाउंड कर रहे हैं। सो ये हेलिक्स एंगल आप देखो तो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में कम होता है। हेलिक्स एंगल क्या होता है डियर स्टूडेंट, हेलिक्स एंगल क्या होता है कम होता है इसमें क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में, और इसमें थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें हेलिकल स्प्रिंग क्या है एंगल ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स एंगल क्या है ये थोड़ा सा कंसिडरेबल रहता है, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें तो लगभग 10 डिग्री के आसपास होता है, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, मतलब आप समझ सकते हो 10 डिग्री कितनी कम वैल्यू है, और इसमें 10 डिग्री से ज्यादा होती है। सो कुल मिला के क्लोज कॉइल और ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, जो कि हेलिकल स्प्रिंग के दो टाइप हैं जो मेजरली आप स्टडी करते हो। इसमें हमारा जो एनालिसिस होगा वो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग पे होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग आता है राइट। नाउ क्वेश्चन कम्स कि हेलिकल स्प्रिंग में भी चाहे क्लोज कॉइल हो या ओपन कॉइल हो, इसमें भी कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग हो सकता है और टेंसाइल हेलिकल स्प्रिंग हो सकता है। ये किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं डियर स्टूडेंट, तो नाम से ही क्लियर है, कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग का मतलब है ये कंप्रेसिव लोड के लिए डिजाइन किया हुआ रहता है, मतलब ये हमेशा कंप्रेशन से सब्जेक्टेड होगा, कंप्रेसिव फोर्स से, पुश से सब्जेक्टेड होगा। और जो टेंसाइल हेलिकल स्प्रिंग है वो बेसिकली क्या है, उसके दोनों एंड पे हुक जैसा निकला हुआ रहता है, वो हमेशा खींचने के लिए यूज होता है, हमेशा वो टेंशन में रहता है। अगर आप देखोगे बहुत ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, अगर आपने बाइसिकल यूज किया, साइकिल का जो सीट है, सीट के पास अगर आप देखोगे तो कुछ स्प्रिंग्स होते हैं जो बेसिकली टेंशन में सब्जेक्टेड होते हैं, कुछ कंप्रेशन में होते हैं, कुछ टॉर्जनल भी होते हैं। सो आइडिया इज कि स्प्रिंग अगर टेंशन के लिए सब्जेक्टेड है, स्प्रिंग अगर डिजाइन किया गया टेंशन के लिए तो टेंशन हेलिकल स्प्रिंग, कंप्रेशन के लिए है और हेलिकल है तो कंप्रेसिव हेलिकल स्प्रिंग, बट एनालिसिस ऑलमोस्ट सेम होगा डियर स्टूडेंट, ये चीज आपको समझना है। नाउ एक और टाइप है डियर स्टूडेंट जो कि हेलिकल स्प्रिंग के लिए जो आपने को स्टडी करना है, और वो होता है डियर स्टूडेंट लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग ये भी आपके एग्जाम में मैकेनिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लीफ स्प्रिंग, और कई बार इसको लैमिनेटेड स्प्रिंग भी बोलते हैं, लैमिनेटेड स्प्रिंग, या कई बार इसको कैरेज स्प्रिंग भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट, कैरेज स्प्रिंग। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये एंटायरली डिफरेंट होता है, ये एंटायरली डिफरेंट होता है हेलिकल स्प्रिंग से, मतलब आप स्प्रिंग का ये वाला जो टाइप है ये मोस्टली कहां पे यूज होता है, कमर्शियल व्हीकल्स में या ऑटोमोबाइल में यूज होता है। आप देखोगे बाइक वगैरह में नहीं यूज होता, अगर आप देखोगे
कार वगैरह में या कमर्शियल व्हीकल्स में इसके ज्यादा यूजेस है। अगर आप लीफ स्प्रिंग, लैमिनेटेड स्प्रिंग या कैरिज स्प्रिंग की बात करोगे तो इसका जो टिपिकल शेप होगा डियर स्टूडेंट, अगर आप सबने देखा होगा जिसको कमानी बोलते हैं, आपने देखा होगा कि नॉर्मल लोकल वर्कशॉप पे जाओगे तो बोलते हैं कमानी रिपेयर किया जाता है। व्हाट इज कमानी? दैट कमानी इज नथिंग बट द लैमिनेटेड स्प्रिंग ऑफ द कार, राइट? और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि कार पे जब ऊपर से फोर्स लगता है जर्किंग के टाइम में तो ये जो कर्वेचर के फॉर्म में होता है ये थोड़ा फ्लैट होता है और फिर अपने शेप में आ जाता है, फ्लैट होके कर है। मतलब अपना कर्वेचर को थोड़ा बढ़ाता है, कम करता है और इस तरीके से वो जर्क और बेसिकली जो सडन लोड होता है उसको टेकअप करता है। डियर स्टूडेंट, इसका जो शेप होगा ना वो सिर्फ एक स्प्रिंग, एक लीफ नहीं होती है, एक कमानी नहीं होती है, कई ऐसी कमानी जुड़ी होती है और सबकी लेंथ अलग अलग होती है। अगर आप देखोगे ना सबकी जो लेंथ है ये अलग अलग होती है और सारे ऐसे स्टैक्ड होते हैं, है ना, अगर आपने गौर किया होगा। और यहां पे फिर फाइनली इसको क्लैंप कर देते हैं, है ना, लोड यहां पे और यहां पे लगता है और जब लोड लगता है तो ये फ्लैट होता है, थोड़ा सा कर्वेचर बनता है और यहां पे इसको हम क्या करते हैं, क्लैंप कर देते हैं। तो लीफ स्प्रिंग इसको बोलते हैं। और इसमें देखोगे तो लीफ की जो लेंथ है वो कम होती जाती है, सबसे बड़ी जो लीफ होती है इसको मास्टर लीफ बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मास्टर लीफ। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे कि कैसे इसका जो डिजाइन करते हैं, बट आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर एक कमर्शियल व्हीकल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये अगर फेल हो गया तो समझो टक 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 की आवाज आती है, जनरली आपके जो आपकी जर्नी होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती है। तो ये इंटीग्रल पार्ट है, ये तो होना ही होना है। और ये जो स्प्रिंग है ये तो आप कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी देख लो। मैंने कुछ टिपिकल एग्जाम्पल दिखाया आपको, स्प्रिंग बैलेंस, राइट, क्लचेस वगैरह में आपके काफी यूज होते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो वाल्व होते हैं आईसी इंजन के, जो वाल्व होते हैं वहां यूज होते हैं, कैम एंड फॉलोअर के पास यूज होते हैं, डाइस में यूज होती है। डियर स्टूडेंट, हर जगह स्प्रिंग कहां नहीं है, बाइक में शॉकर्स लगे होते हैं उसमें भी स्प्रिंग्स है, तो बहुत सारे, और इसी में आपको स्टडी करना है। सो हमारा मेन टारगेट होगा क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग और लैमिनेटेड स्प्रिंग। डियर स्टूडेंट, ज्यादातर अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर जेईई एग्जाम के लिए देखो तो ये वाला जो इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। बट हाँ, बीटेक लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्पेशली एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल इन सब में इसके भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, बट फिर भी उसमें भी ज्यादातर चांस इसका होता है। तो हम सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। और स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बता दूं कि स्प्रिंग को, खास करके हेलिकल स्प्रिंग की जब बात होती है तो स्प्रिंग को कैसे बनाते हैं डियर स्टूडेंट, कौन सा मटीरियल होता है? तो अगर आपको मैं बताऊं कि एक वायर ली जाती है, मान लो ये एक हेलिकल स्प्रिंग है, राइट, ये एक हेलिकल स्प्रिंग है, तो हेलिकल स्प्रिंग में आपको एक वायर लेनी होगी, राइट। तो ये आपका क्या है, वायर। इस वायर का बेसिकली एक वायर की अपनी एक साइज होती है, राइट, एसडब्ल्यूजी बोलते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज, राइट, एसडब्ल्यूजी, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो वायर की अपनी एक, वायर का एक अपना साइज लेके फिर उसको कोल्ड या हॉट रोल किया जाता है, मतलब उसको वाउंड किया जाता है और उसको हेलिकल फॉर्म दिया जाता है। अगर डाया कम है, अगर कम साइज ऑफ वायर अगर कम है तो कोल्ड भी कर सकते हैं, और अगर वो साइज बड़ा है, मतलब अगर स्प्रिंग में वायर का साइज अगर ज्यादा है तो आपको हॉट हेलिकल फॉर्म देने के लिए उसको हॉट फॉर्म में करना होगा। सो ऑब्वियसली फिर दोनों में एक डिफरेंस तो होगा ही। अगर आप देखो कोल्ड में बेसिकली कोल्ड आप कर रहे हो तो फिनिश अच्छी मिलेगी बट ब्रिटलनेस होती है क्योंकि उसमें डक्टिलिटी नहीं होगी एंड ऑल, जो कि मटेरियल साइंस और आपके उससे लिंक्ड है। सो आइडिया इसकी, स्प्रिंग बनाने के लिए आपको एक वायर चाहिए, वायर को आपको हेलिकल फॉर्म देना होगा, ऑब्वियसली हेलिक्स एंगल एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा, इसके अलावा आपको पिच वगैरह मेंटेन करना होगा, और उसको बनाने के बाद फिर उसकी हीट ट्रीटमेंट करते हैं मेरे स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूं कोई भी स्प्रिंग है वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएटिंग लोड से सब्जेक्टेड होता है कई बार, स्पेशली अगर आप देखोगे जो वाल्व सीट के पास जो स्प्रिंग होता है वो फ्लक्चुएटिंग लोड से सब्जेक्टेड होता है, फटीग लोड से सब्जेक्टेड होता है स्प्रिंग। तो फटीग लोड की वजह से स्प्रिंग में हीट ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि सिंपली हम बना के उसको यूज नहीं कर सकते, तो फटीग लोड को झेलने के लिए उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके लिए हीट ट्रीटमेंट करते हैं और टेम्परिंग करते हैं, ऑयल टेम्पर्ड। आप देखोगे कई बार ऑयल टेम्पर्ड स्प्रिंग वर्ड यूज करते हैं, तो जो हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है
उसमें ऑयल टेम्परिंग की जाती है। और जहां तक मटेरियल की बात है तो डियर स्टूडेंट, अगर आप मटेरियल की बात करो तो ऑब्वियसली आपका मीडियम कार्बन स्टील मोस्टली प्रेफर करते हैं, एलॉय स्टील भी यूज करते हैं, कई बार तो स्प्रिंग बनाने के लिए जो स्पेशल एलॉय स्टील यूज करते हैं उसको स्प्रिंग स्टील भी बोल देते हैं क्योंकि स्प्रिंग बनाया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मोनल मेटल है, ब्रास है, राइट, और भी बहुत सारे बेसिकली मेटल्स हैं जिससे हम स्प्रिंग को बनाते हैं, राइट। सो स्प्रिंग का जो आपका मटेरियल है, ये चीज आप अगर आप देखोगे तो लगभग इसी कैटेगरी में फॉल करता है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब हम स्प्रिंग के डिजाइन में एंटर कर रहे हैं, बट डिजाइन में एंटर करने से पहले हमें स्प्रिंग के टर्मिनोलॉजी को स्टडी करना है। स्प्रिंग के एनालिसिस में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, मैंने शुरू में ही बताया था कि इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो स्प्रिंग स्पेसिफिक होते हैं, मतलब स्प्रिंग में ही यूज किए जाते हैं, तो पहले आपको उसके बारे में बता रहा हूं। और इसके बारे में अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो ये मेरी गट फीलिंग है कि आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसको बिना समझे आप आगे नहीं जा सकते। सो और इस पे काफी सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जहां पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो स्प्रिंग के इस पोर्शन पे टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द यू नो द टर्म्स यूज्ड इन स्प्रिंग। ये सारे टर्म मोस्टली हेलिकल स्प्रिंग के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, टर्म्स यूज्ड इन हेलिकल स्प्रिंग स्टूडेंट। सो सबसे पहले है स्टूडेंट लेंथ, राइट। जब हम लेंथ की बात करते हैं स्प्रिंग की तो ऑब्वियसली ये एक लंबाई है, लेकिन स्प्रिंग में दो लेंथ है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एक फ्री लेंथ मींस स्प्रिंग जो कि अनलोडेड है, मींस उस पे लोड नहीं लगा है और उस केस मतलब वो फ्री है, और उस केस में जो उसकी टोटल लेंथ होगी वो फ्री लेंथ होगी। डियर स्टूडेंट यहां पे मैंने दिखाया हुआ एलएफ से डिनोट करते हैं, एलएफ स्मॉल एलएफ। अगर ये स्प्रिंग है मान लो और इसके कॉइल्स के बीच में डिस्टेंस है मींस पिच है और कोई लोड नहीं लग रहा है, स्प्रिंग इन अनलोडेड कंडीशन, उस केस में जो उसकी ये जो टोटल लेंथ होगी डियर स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड फ्री लेंथ एलएफ, राइट। बट अगर एक लेंथ होती है इसकी डियर स्टूडेंट सॉलिड लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड लेंथ को एलएस बोलते हैं, एस स्टैंड्स फॉर सॉलिड। ये क्या है डियर स्टूडेंट, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते करते उसके सारे कॉइल्स को मेटालिक टच वाले कंडीशन में बना दोगे, मीन सारे कॉइल्स एक दूसरे के साथ टच हो जाएगा, मतलब सारे एडजेसेंट कॉइल एक दूसरे से टच कर जाएगा और फिर फर्दर कंप्रेस नहीं होगा, तो वो कंडीशन बन जाएगी सॉलिड, मीन्स अब स्प्रिंग जो कि पहले कंप्रेसिबल था अब वो फर्दर कंप्रेस नहीं होगा और वो सॉलिड बन गया। ये कब होगा, जब उसके सारे कॉइल्स एक दूसरे के साथ टच कर जाएंगे मेटालिक, उस कंडीशन में जो उसकी लेंथ होगी डियर स्टूडेंट वो ऑब्वियसली मिनिमम लेंथ होगी एंड दैट लेंथ इज कॉल्ड सॉलिड लेंथ। सो नाउ अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं डियर स्टूडेंट कि ये जो सारे स्प्रिंग है इसके सारे कॉइल्स देख रहे हो आप एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, उस केस में जो ये लेंथ बन रही है एलएस दैट इज कॉल्ड सॉलिड लेंथ। अगर आप गौर से देखोगे डियर स्टूडेंट तो स्प्रिंग में एक टर्म यूज करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ कॉइल्स। तो अगर मान लो ये सारे कॉइल्स हैं, ये सारे कॉइल्स हैं, अगर मैंने स्प्रिंग का नंबर ऑफ कॉइल एन बोल दिया, राइट, और चूंकि सारे वायर एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं तो ये एक ये डी होगा, ये भी डी होगा, ये भी डी होगा, ये भी स्मॉल डी, ये भी स्मॉल डी, व्हाट इज स्मॉल डी, वायर डाया। तो अगर आप देखोगे तो गौर से ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी अप टू एन टर्म्स, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे उतनी बार एड होगा, मीन्स एन डी हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सॉलिड लेंथ इज व्हाट, एन इनटू डी, व्हाट इज डी, वायर डाय। सो सॉलिड लेंथ हमेशा एन डी बोलते हैं, एन डी इसकी मिनिमम लेंथ होगी, राइट। और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है अब इसमें भी अलग अलग टाइप है, बट अभी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नंबर ऑफ टर्न्स ही वर्ड यूज करेंगे, राइट। सो नंबर ऑफ टर्न्स जस्ट गिवन होगा आपको एन इनटू डी। नाउ अगर आपका सॉलिड लेंथ एन इनटू डी होगा, नंबर ऑफ कॉइल्स इनटू वायर डाया, तो जो फ्री लेंथ है डियर स्टूडेंट, फ्री लेंथ क्या होगा, पहले तो सॉलिड लेंथ तो उसमें होगा ही होगा एलएस प्लस कितना मैक्सिमम कंप्रेशन पॉसिबल है, मतलब जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन, डेल्टा मैक्स। डेल्टा मैक्स क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, स्प्रिंग को कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखना प्रैक्टिकली स्प्रिंग को पूरा पूरा डिफ्लेक्ट करके उसको सॉलिड कंडीशन में नहीं पहुंचाते, याद रखना सॉलिड लेंथ तो कभी भी स्प्रिंग को रिच करना ही नहीं है, अगर वो रिच किया तो वो फेल हो जाएगा। तो अपने को मैक्सिमम कंप्रेस करना है सॉलिड लेंथ
प्लस मैक्सिमम कंप्रेशन। अब ये डिजाइनिंग में हम लेते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन, और फिर मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम में भी स्प्रिंग के कॉइल्स के बीच में एक सर्टेन क्लैश अलाउंस मेंटेन करते हैं जो कि लगभग 1 mm के बराबर होता है, वो लगभग 15% ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, 15% ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सो दैट विल बी 0.15 डेल मैक्स। सो एज अ होल अगर मैं आपको बताऊं कि फ्री लेंथ विल बी सॉलिड लेंथ प्लस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्लस क्लैश अलाउंस। क्लैश अलाउंस हमेशा कितना होता है, 15% ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन रिटन 0.15 डेल्टा मैक्स। सो डियर स्टूडेंट ये आपको याद रखना है, फ्री लेंथ LF विल बी LS सॉलिड लेंथ प्लस डेल्टा मैक्स व्हिच इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्लस क्लैश अलाउंस व्हिच इज 15% ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो कि 1 mm के बराबर होता है। अगर नहीं दिया हुआ तो लगभग 1 mm के बराबर होता है। सो आइडिया इज कि ये फ्री लेंथ और सॉलिड लेंथ ये दो लेंथ हैं और स्प्रिंग के लिए ये दो लेंथ हम यूज करते हैं और दोनों में रिलेशन भी है जो आपने समझ लिया, राइट। नाउ कम्स डियर स्टूडेंट, पहले हम वायर डाया को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट ये वायर डाया क्या होता है, तो आपको मैंने शुरू में ही बताया कि स्प्रिंग को बनाने के लिए आप वायर को यूज करते हो, स्टैंडर्ड साइज के वायर को यूज करते हो और वो साइज SWG कहलाता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, राइट। तो वो जो वायर का जो डायमीटर होगा अगर वो सर्कुलर वायर है तो वो वायर का डाया होता है, स्मॉल डी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू डिशन 0.07 mm से लेके 12.7 mm तक होता है। अगर आप देखो तो बहुत कम वैल्यू है, ये जो स्प्रिंग है ना इसके जो वायर डाया है बहुत कम है, 0.07 से स्टार्ट हो जाएगा और 12.7 mm तक जाता है। सो आइडिया इज, और इसी को हम बोलते हैं, अगर मैं SWG स्टैंडर्ड वायर गेज के टर्म में बोलूं तो 0.07 को मैं बोलूंगा SWG 45 और 12.7 जो कि लार्जर वायर डाया है इसको बोलूंगा SWG 7। सो आइडिया इज कि यहां से एक चीज और आपको ध्यान देना है कि SWG में जो ये वैल्यू यूज करते हैं न्यूमेरिक वो अगर ज्यादा है तो समझो वायर का साइज कम है। देखो SWG 45 का मतलब है 0.07 और SWG 7 का मतलब है 12.7। मींस SWG में हमेशा ये लॉजिक याद रखना, ये शीट की थिकनेस पे भी अप्लाई होता है, वायर के साइज पे भी अप्लाई करता है कि जैसे जैसे SWG की वैल्यू बढ़ेगी अगर तो साइज जो एग्जैक्टली जो डिमेंशन है वो कम होता है। ये चीज आपको याद रखना, ये इंजीनियरिंग में जस्ट आपको आपके माइंड में होना चाहिए। अगर कोई बोले भाई SWG 10 है और SWG 12 है तो किसकी थिकनेस ज्यादा है या किसका साइज ज्यादा है, तो आप SWG 12 मत बोल देना, SWG 10 मतलब SWG कम होने से उसका साइज बढ़ता है। तो वायर डाया डियर स्टूडेंट ये स्मॉल डी होगा। अब स्प्रिंग को 12.7 mm तक बढ़ा सकते हैं, तो यहां पे 10 mm या उससे नीचे वाले को हम कोल्ड बाउंड करते हैं, मतलब कोल्ड वे में ही बाउंड करते हैं। बट 10 mm से ऊपर अगर होगा तो अपने वो हॉट बाउंड करना होगा क्योंकि फिर फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है उतने लार्ज साइज के वायर को बाउंड करने के लिए, तो आपको हॉट वर्किंग करनी होगी। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है, राइट। सो वायर डाया डियर स्टूडेंट क्लियर हो गया। देन कम्स मीन क्वाइल डाया। डियर स्टूडेंट मीन क्वाइल डाया या सिंपली क्वाइल डाया भी बोल देते हैं कई बार, ये डिजाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वाइल डाया है, मीन क्वाइल डाया, और उसी का हाफ क्या होगा, मीन क्वाइल रेडियस। ये क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट एक क्वाइल ले लो, एक स्प्रिंग का एक क्वाइल ले लो, मैंने ये दिखाया हुआ, ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग का एक अगर मैं क्रॉस सेक्शन कट करूं क्वाइल का तो ऐसा कुछ दिखेगा, यहां पे वायर है, यहां पे वायर का क्रॉस सेक्शन होगा। अगर आप देखो कि इस वायर के सेंटर से ये सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है ना यही मीन क्वाइल डाया होता है। डियर स्टूडेंट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो मीन क्वाइल डाया होगा और इसी पे वायर को डिजाइन स्प्रिंग को डिजाइन किया जाता है, राइट। बट अगर मैं देखूं बाहर बाहर से आउटर्स ये जो साइज है वो आउटर डाया होगा वायर के यहां से यहां तक अगर आप मेजर करोगे तो ये दिस इज कॉल्ड आउटर डाया, और अगर अंदर अगर आप इनर ये साइज फाइंड करोगे तो ये दिस इज कॉल्ड इनर डाया। सो अगर आप स्प्रिंग के क्वाइल की बात करोगे तो यू हैव आउटर डाया, यू हैव इनर डाया, बट सेंटर टू सेंटर क्या है, मीन डाया है जिसपे डिजाइन करते हैं। यहां से ज्योमेट्री से साफ क्लियर है कि आउटर डाया अगर आपको निकालना है तो क्या करना, मीन डाया विच इज सेंटर टू सेंटर प्लस ये और प्लस ये, जो ये दोनों मिलके स्मॉल डी हो जाएगा, मतलब मीन डाया प्लस वाई डाया ये हो जाएगा आउटर डाया। इनर डाया सिमिलरली क्या होगा, मीन डाया माइनस
वाई डायल, राइट? आप इसको यूज कर सकते हो, ये कई बार यूज, अगर कुछ गिवन है, आउटर डाया दिया हुआ है और अगर आपको मी डाया निकालना है तो हेल्पफुल होता है ये, स्पेशली अगर आप देखो मशीन डिजाइन वगैरह में ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि मशीन डिजाइन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मशीन डिजाइन में जो स्प्रिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई बार आउटर डाया इनर डाया दिया होता है, बट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में मोस्ट ऑफ द टाइम मीन डाया ही दिया हुआ होता है, या सिंपली डाया बोलेगा तो बी अज्यूम कि वो मीन डाया ही है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, अगर आप इन दोनों को देखो, डी आई इनर डाया और डी ओ आउटर डाया, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल होकर हो जाएगा टू कैपिटल डी, और उसको अगर मैं टू से डिवाइड कर दूं तो कैपिटल डी आ जाएगा। मीन्स यहां से एक और रिलेशन आ गया कि मीन डाया हमेशा क्या होता है, इनर डाया प्लस आउटर डाया डिवाइडेड बाय टू, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मीन डाया, राइट? सो इनर डाया प्लस आउटर डाया डिवाइडेड बाय टू, दिस इज कॉल्ड मीन डाया। सो ये डाया जो क्वाइल का जो डाया है डियर स्टूडेंट, इस पे रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा, राइट? और इसी का अगर हाफ कर देंगे तो मीन कॉइल रेडियस हो जाएगा, तो कॉइल के साइज से लिंक था डियर स्टूडेंट। सो आपको वाई डायर क्लियर हो गया, मीन कॉइल डायर क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। नाउ कम्स की, अब आते हैं हम यहां पर डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ कॉइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में तो जस्ट नंबर ऑफ कॉइल दिया रहेगा कि भाई 10 है, 15 है, 20 है, कभी पॉइंट में नहीं होता है, हमेशा बेसिकली क्या है, इंडिजल में होगा। तो नंबर ऑफ कॉइल्स डियर स्टूडेंट इसको n से डिनोट करते हैं, बट ये जो n होता है ना, ये बेसिकली दो टाइप, नंबर ऑफ कॉइल को नंबर ऑफ टर्न्स भी बोलते हैं, राइट? नंबर ऑफ टर्न्स। अब मशीन डिजाइन में स्पेशली अगर आप किस टर्म की बात करोगे तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स और एक होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स। ये दो क्या टर्म है डियर स्टूडेंट? तो इसको अगर अभी अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बट अगर हम जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ कॉइल्स में एक होगा नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स और एक होगा इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या है? तो देखो डियर स्टूडेंट, अगर आप स्प्रिंग की बात करो तो आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि स्प्रिंग में जो ऊपर और नीचे के जो कॉइल्स होते हैं ना, वो पूरे पूरे नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब एंड कनेक्शंस होने की वजह से कई बार उसकी ग्राइंडिंग की हुई रहती है, कई बार एंड को ट्रिम किया हुआ रहता है, मतलब टॉप और बॉटम वाले कॉइल्स को कई बार हम फुल कॉइल्स नहीं अज्यूम कर सकते क्योंकि चॉप किया रहता है, ग्राइंडिंग की रहती है, तो उसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स अगर आप देखोगे तो सारे कॉइल्स जितने दिख रहे हैं वो सारे कॉइल्स नहीं है, फुल कॉइल्स नहीं होने की वजह से एक टर्म आएगा नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स। नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स का मतलब है जो पूरे पूरे कॉइल्स हैं उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स। और एक होता है अगर आप डियर स्टूडेंट, अगर आप जो टॉप और बॉटम के जो एंड कनेक्शंस वाले जो आपके कॉइल्स हैं जो कि ग्राउंडेड है, स्क्वायर्ड एंड राउंड है, उसको भी अगर आप डिजाइन में कैलकुलेट करके एक्टिव टर्न्स के साथ ऐड कर देते हो तो फिर वो आ जाता है इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये मशीन डिजाइन में ज्यादा यूज होता है, बट अगर मशीन डिजाइन के कॉन्सेप्ट को मैं भूल जाऊं तो मेरे लिए सिर्फ नंबर ऑफ कॉइल्स है जिसको मैं स्मॉल एन से डिनोट करूंगा, राइट? सो सोम और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नंबर ऑफ कॉइल्स मीन्स नंबर ऑफ कॉइल्स, बट मशीन डिजाइन में नंबर ऑफ कॉइल्स में नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स, ये वर्ड यूज होता है। और वो किस लिए यूज होता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ऊपर और नीचे के जो कॉइल के जो अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट, अगर आपका ये अगर स्प्रिंग है तो ऊपर आप देखोगे चॉप किया रहता है, मतलब ग्राइंडिंग की रहती है सिटिंग के लिए, कई बार नीचे भी इसको चॉप कर देते हैं, मतलब ग्राइंडिंग की रहती है। तो एंड बेसिकली अगर आप देखोगे ना, उसकी वजह से टोटल कॉइल्स बेसिकली आपके कंसिडर नहीं होते, ये चीज इसकी वजह से ये दो टर्म डेवलप होता है। जब मशीन डिजाइन का हम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे वहां पे और डिटेल में देखेंगे। सो कुल मिला के नंबर ऑफ कॉइल्स मतलब कितने कॉइल्स हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड एन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नंबर ऑफ कॉइल्स बहुत ज्यादा है मतलब आपके स्प्रिंग में वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है, राइट? नाउ नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स क्लियर हो गया, लेंथ भी क्लियर हो गया, देन कम्स पिच। पिच मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, स्प्रिंग क्या है, स्ट्रेटेजिकली हेलिकली बाउंड एक मैकेनिकल एलिमेंट है, तो उसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव कॉइल के बीच में जो बेसिकली एक्सियल डिस्टेंस होगा, अलोंग द एक्सिस जो डिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे पिच, राइट?
और ये पिच इक्वल होता है, हर एक कॉइल के बीच में पिच इक्वल जनरली होता है, बट कई बार हम अनइक्वल पिच भी यूज करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि एंड सेंटर वाले कॉइल्स, सेंटर वाले कॉइल्स जो होते हैं ना, मिड वाले कॉइल्स, उसकी पिच ज्यादा रखते हैं और टॉप और बॉटम वाले कॉइल्स की पिच कम भी रख देते हैं। बट अभी अपने को ऐसा नहीं मानना है, अपने को अगर आप पिच का मतलब है एक स्प्रिंग में एक फिक्स्ड पिच होगा जो हर एक कॉइल में उतनी डिस्टेंस होगी, किसी भी दो कंजर्वेटिव कॉइल के बीच में सेम डिस्टेंस होगी, राइट। बट कई बार जो वेरिएबल पिच यूज करते हैं उसके पीछे कुछ एक डिजाइन कंसिडरेशन होता है डियर स्टूडेंट, जो हम इसी वीडियो में देखेंगे। एक प्रॉब्लम आती है सर्ज, राइट, उसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, उसको बोलते हैं सर्ज। स्प्रिंग में एक सर्ज डेवलप होता है, उस सर्ज को अवॉइड करने के लिए हम वेरिएबल बेसिकली पिच यूज करते हैं। जब वो पॉइंट आएगा वहां पे हम बताएंगे, बट अभी के लिए पिच क्या है, किसी भी स्प्रिंग में किसी भी दो कंजर्वेटिव कॉइल के बीच में जो अलोंग द एक्सिस डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे पिच, और ये फिक्स्ड होगा एक स्प्रिंग के लिए, जो गिवन कॉन्फिगरेशन स्प्रिंग के लिए फिक्स होगा। अब क्वेश्चन कहता है स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और पिच अगर आपको निकालना है, हालांकि ये दिया रहता है बट अगर नहीं दिया होगा तो अगर आपको निकालना है स्मॉल पी, तो ये क्या होगा, फ्री लेंथ बाय एन माइनस वन। डियर स्टूडेंट, फ्री लेंथ एल एफ बाय एन माइनस वन, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, सो एल एफ बाय एन माइनस वन, ये मशीन डिजाइन में यूज करते हैं, ये याद रखना, पिच इज इक्वल टू एल एफ बाय एन माइनस वन, या दूसरे वे में लिख सकते हैं एल एफ माइनस एल एस बाय एन डैश प्लस डी, फ्री लेंथ माइनस सॉलिड लेंथ बाय नंबर ऑफ कॉइल्स प्लस वाई डायर। डियर स्टूडेंट, राइट, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सो पिच आपका डियर स्टूडेंट क्या होगा, स्मॉल पी फ्री लेंथ बाय नंबर ऑफ कॉइल्स माइनस एन माइनस वन, मीन्स एल एफ बाय एन डैश माइनस वन। डियर स्टूडेंट, ये चीज आपको समझना है, राइट। और अगर मैं चाहूं तो इसको दूसरे वे में एल एफ माइनस एल एस, मतलब फ्री लेंथ माइनस सॉलिड लेंथ बाय नंबर ऑफ कॉइल्स प्लस डी भी लिख सकता हूं। पिच जनरली दिया रहता है और एमएम में होता है डियर स्टूडेंट, सोम में आपको पिच गिवन रहता है, राइट। देन कम्स, आपने नंबर ऑफ कॉइल समझ लिया, लेंथ समझ लिया, पिच समझ लिया, और यही पिच बेसिकली अगर कम है वैल्यू तो उसको बोलेंगे क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, और अगर यही पिच ज्यादा है, मतलब कॉइल के बीच में गैप ज्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो ये पिच ही डिसाइड करता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे स्प्रिंग इंडेक्स सी से डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्प्रिंग इंडेक्स। ये क्या होता है, किसी भी स्प्रिंग के लिए जो उसका स्प्रिंग इंडेक्स सी होता है वो उसका मेन कॉइल डायर डिवाइडेड बाय वायर डायर होता है, मींस कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है डियर स्टूडेंट। और ये जो वैल्यू है ये स्प्रिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर है। सो स्प्रिंग इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होगी एज यूजुअल, क्योंकि दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, ये भी डाया है ये भी डाया है, बट इसकी वैल्यू हमेशा वन से ज्यादा होगी डियर स्टूडेंट, क्योंकि मीन कॉइल डायर डिवाइडेड बाय वायर डायर हमेशा कम होता है, मीन कॉइल डायर हमेशा बड़ा होता है स्प्रिंग के केस में, तो सी की वैल्यू वन से ज्यादा होगी, बल्कि जनरली इसकी वैल्यू थ्री के आसपास लेते हैं, थ्री इसकी वैल्यू है, कोई यूनिट नहीं होगी और इसकी वैल्यू हमेशा वन से ज्यादा होगी, और ये याद रखना स्प्रिंग इंडेक्स बोलते हैं, राइट। ये सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डियर स्टूडेंट, जो कि स्प्रिंग के लिए एक तरह से जैसे रेजिस्टर के लिए उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है और उसी से वो हमेशा डिनोट होता है, ऐसे ही स्प्रिंग के लिए एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, या उसको स्प्रिंग रेट भी बोलते हैं, और मोस्ट उसको स्टिफनेस बोलते हैं डियर स्टूडेंट। सो व्हाट इज स्टिफनेस और स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग रेट, जिसको के से डिनोट करते हैं और कभी कभी एस से भी डिनोट करते हैं, अभी मैं इसको के से डिनोट करूंगा। सो स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग रेट या स्टिफनेस क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो आपको पता है कि स्प्रिंग पे हम एक लोड लगाएंगे, एक्सियल लोड लगाएंगे, और उस लोड की वजह से वो कुछ डिफ्लेक्ट होगा, स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन या कुछ एक्सटेंशन होगा, तो वो दैट लोड डिवाइडेड बाय द डिफ्लेक्शन कॉज्ड ड्यू टू दैट लोड, इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग रेट और स्टिफनेस। सो डियर स्टूडेंट आपको याद रखना है कि स्टिफनेस इज इक्वल टू के इज इक्वल टू लोड बाय डिफ्लेक्शन, डब्ल्यू बाय डिफ्लेक्शन, ये स्प्रिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसकी यूनिट क्या होगी स्टिफनेस की, न्यूटन पर एमएम, क्योंकि वैसे तो न्यूटन पर मीटर होना चाहिए बट डिफ्लेक्शन हमेशा एमएम में होता है डियर स्टूडेंट, तो प्रैक्टिकली न्यूटन पर एमएम में होगा, बट एसआई यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर होगा, राइट। और ये इसकी वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है या स्टिफनेस की जो वैल्यू है
वो एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग के लिए फिक्स होता है, राइट। ये बदलती नहीं, चाहे आप लोड उस पर कितना भी लगाओ, अलग अलग लोड लगाओ तो स्टिफनेस बदलता नहीं है, ये उस स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसको नाम भी दिया गया है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। हाँ, अगर आप स्प्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करोगे, जैसे वायर डाया बदल दोगे या नंबर ऑफ टर्न्स कम या ज्यादा कर दोगे, तब ये स्टिफनेस की वैल्यू बदल सकती है, बट वो एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग के लिए नहीं करते। एक स्प्रिंग जब हमने बना लिया तो उस पर ज्यादा से ज्यादा आप लोड को वैरी कर सकते हो, उसके वायर डायर नंबर ऑफ कॉइल्स इन सबको डिस्टर्ब नहीं करते, इसीलिए उसकी अपनी एक स्टिफनेस होती है जो फिक्स है, और ये होती है डब्ल्यू बाय रिफ्लेक्शन। आगे इसका काफी इंपॉर्टेंट यूज है, ये याद रखना, राइट। यूनिट भी आपको पता चल गया, न्यूटन पर मीटर, राइट। सो हमने स्प्रिंग कॉन्स्टेंट देख लिया, स्प्रिंग इंडेक्स देख लिया। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का मतलब है स्टिफनेस, ज्यादातर ये यूज करते हैं, बट ये दो वैल्यू भी, दो टर्म भी इसके लिए यूज किया जाता है जो लेसर नोन है। कई बार स्टूडेंट एक को याद रखते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट तो स्प्रिंग रेट को भूल जाते हैं। स्प्रिंग रेट और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दोनों एक ही है, और ये भी स्टिफनेस को ही बोला जाता है, और स्प्रिंग इंडेक्स अलग है। स्प्रिंग इंडेक्स अलग है, कंफ्यूज मत होना, ये जनरली कंफ्यूजन आ जाता है, ये चीज मैं आपको क्लियरली बता दिया, राइट। सो वायर डायर क्लियर हो गया, मेन कॉइल डायर क्लियर हो गया, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, स्प्रिंग इंडेक्स, पिच, नंबर ऑफ कॉइल्स, लेंथ आपको क्लियर हो गया, लेंथ में भी सॉलिड और फ्री लेंथ दो क्लियर हो गया, राइट। देन कम्स डिफरेंट एंगल ऑफ ट्विस्ट। आपको पता है कि जो स्प्रिंग है उस पर आप लोड तो लगाते हो एक्सियल, और आप ये सोचते हो कि उसमें कंप्रेशन या टेंशन डेवलप होगा, नहीं, लोड आपका जो दिख रहा है वो टेंशन या कंप्रेशन है, बट अल्टीमेटली जो स्प्रिंग के वायर में तो ट्विस्ट लग रहा है। स्प्रिंग का जो वायर है वो एक शाफ्ट की तरह टॉर्जन से सब्जेक्टेड है, और टॉर्जन की वजह से आपको पता है कि उसमें शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, तो स्प्रिंग में भी शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि स्प्रिंग हम तो कंप्रेस कर रहे हैं, हम तो उसको खींच रहे हैं, तो उसमें कंप्रेशन और टेंशन डेवलप होना चाहिए, बट नहीं, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए डियर स्टूडेंट, और जैसे ही टॉर्जनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट डेवलप होगा, आपको पता है। तो ये कैसे होगा, तो देखो इसके लिए एक डायग्राम है, और ये स्प्रिंग को एनालाइज करने के लिए इनिशियली समझना बहुत जरूरी है। देखो ये एक स्प्रिंग मैंने ले लिया और इस पर एक एक्सियल लोड डब्ल्यू लगा दिया, राइट। ये डब्ल्यू एक्सियल लोड लग रहा है, और मीन कॉइल डाया स्प्रिंग का ये है कैपिटल डी, और इसका मीन कॉइल रेडियस आर है, राइट। Now, dear student, ये देखो इसका जो एक्सिस है स्प्रिंग का, अलॉन्ग द एक्सिस डब्ल्यू लोड लग रहा है। हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि जो स्प्रिंग में जो लोड लग रहा है वो ट्रूली एक्सियल लग रहा है, ये एनालिसिस के हम लेते हैं। हालांकि इसेंट्रिक लोड भी लग सकता है, बट उसमें क्या है फिर वो एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होती है, मीन्स उसको आप यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। सो एक्सियल लोड जब डब्ल्यू लगाओगे dear student, तो आप देखो ये एक्सिस पे यहाँ पे डब्ल्यू है और ये रेडियस आर है, तो ये यहां पे वायर डाया है, ये देख लो ये वायर है। अगर किसी भी कॉइल पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया जाए, ये क्या है डिरेक्शन, वायर डाया। नाउ वायर डाया पे एक टॉर्क लगेगा इस डब्ल्यू की वजह से, कैसे, डब्ल्यू इंटू आर। आपको देखो ये डब्ल्यू लोड लग रहा है और ये आर डिस्टेंस है, तो यहां पे एक्सट्रीम यहां पे एक टॉर्क मोमेंट लगेगा ना, डब्ल्यू इंटू आर, और ये जो कि यहां पे दिखाया हुआ है, देखो ये डब्ल्यू इंटू आर इस वायर पे एक टॉर्क के फॉर्म में लगेगा, डब्ल्यू इंटू आर मीन्स वायर आप खींच रहे हो, कॉइल खींच भी रहा है, बट एट द सेम टाइम चूंकि हेलिक्स फॉर्म में है तो कॉइल वायर में बेसिकली एक टॉर्क जनरेट होगा, और उसकी वजह से उसमें ट्विस्ट जनरेट होगा, जो कि कितना होगा, एक्सियल लोड डब्ल्यू इंटू मीन कॉइल रेडियस आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप डब्ल्यू लगा रहे हो बट उसकी वजह से वायर में टॉर्जन से सब्जेक्टेड है, और उसकी वजह से एंगल ऑफ ट्विस्ट डेवलप होगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट आप ऑलरेडी टॉर्जनल एनालिसिस में आपको पता है रेडियन में होता है, राइट। डिफ्लेक्शन आपको पता है डियर स्टूडेंट, जब आप लोड लगाओगे उस लोड की वजह से स्प्रिंग में कुछ एक्सियल मूवमेंट होगा, राइट। कंप्रेशन में भी एक्सियल मूवमेंट हो सकता है, टेंशन में भी एक्सियल मूवमेंट होगा, तो वो जो है लोड की वजह से जो एक्सियल मूवमेंट होगा उसी को हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, वो लोड पे डिपेंड करता है, और फॉर अ गिवन स्टिफनेस वो उसकी अलग अलग लोड पे अलग अलग डिफ्लेक्शन होगा। सो डिफ्लेक्शन डेल से डिनोट करते हैं, तो आपको डिफ्लेक्शन क्लियर हो गया, ये एमएम में होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि टॉर्क से सब्जेक्टेड होगा वायर, और इसकी वजह से वायर में टॉर्जनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, जिसको हम टाउ बोल रहे हैं यहां पे। सो टाउ क्या है डियर स्टूडेंट, शियर स्ट्रेस डेवलप इन द स्प्रिंग मटेरियल।
और ये जो टॉर्क होगा वो हमेशा डब्ल्यू इंटू आर होगा। तो ये एक बेसिक सा डेरिवेशन, ये कॉन्सेप्ट है जो आई थिंक आपको पहले अंडरस्टैंड करना होगा, राइट। एंड आई होप कि स्प्रिंग के जितने सारे टर्मिनोलॉजी हैं वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, और मैंने बताया आपको इससे क्वेश्चंस आते हैं तो इस पे आपको फोकस करना है, राइट। सो नाउ अब हम प्रोसीड कर रहे डियर स्टूडेंट, टॉर्जनल एनालिसिस करेंगे। स्प्रिंग पे हम बेसिकली एनालिसिस करके फिर इसके अलग अलग फॉर्मूला को डेराइव करेंगे जो कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट डेरिवेशन कॉन्सेप्ट। ओके सो डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट बेसिकली स्टेप है इस वीडियो में, जो नेक्स्ट हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं, एंड दैट इज एनालिसिस ऑफ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग को अब हम एनालाइज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। यहीं पे बेसिकली आपका जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो लाई कर रहा है, जो आपका न्यूमेरिकल आता है, जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं और इसको आपको देखना है। सो एनालिसिस पार्ट है जो कि टॉर्जन से मिलता जुलता होगा। देखो डिस्टेंट, ये स्प्रिंग है एज यूजुअल जो मैंने पहले बताया, और इस पे एक एक्सियल लोड W लग रहा है। W क्या है? एक्सियल लोड। मीन कॉइल डाया कैपिटल D है, और जो स्मॉल वायर, जो वायर का डाया है स्मॉल D है। वायर टॉर्क से सब्जेक्टेड होगा जो कि W इंटू R होगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, और इस टॉर्क की वजह से वायर में शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, राइट। नाउ यहां पे एक चीज आपको समझना है कि अगर आप इस वायर पे जो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो बेसिकली शियर स्ट्रेस होगा, लेकिन उसके तीन कंपोनेंट होंगे। मतलब जो शियर स्ट्रेस होगा वो इस वायर में तीन वजह से डेवलप होगा। एक तो इस टॉर्क की वजह से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में इसी टॉर्क की वजह से जो स्प्रिंग के वायर में शियर स्ट्रेस डेवलप होगा उसी को हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अज्यूम करके अपने सारे एनालिसिस को प्रोसीड कर लेते हैं, राइट। बट वहां पे कुछ और चीजें एडिशनल होती है जो कि मशीन डिजाइन में इंपॉर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में भी कई बार इसका जिक्र होता है, मींस इसको कंसीडर करते हैं। वो क्या है कि एक तो टॉर्क की वजह से इसमें शियर स्ट्रेस डेवलप होगा जिसको टाउ वन बोलते हैं, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस जो कि वायर के मटेरियल में डेवलप होगा। बट ये जो W लोड लग रहा है डियर स्टूडेंट, अगर स्प्रिंग कंप्रेसिव है या टेंशन है तो ये जो W लग रहा है उसकी वजह से वायर में कंप्रेसिव शियर स्ट्रेस भी डेवलप होगा। किस पे? वायर पे, राइट। और ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, इसको बोलते हैं टाउ टी। टाउ टी क्या है? डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, जो कि ऑब्वियसली क्या होगा? W लोड बाय एरिया। एरिया क्या होगा? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। सो ये जो टाउ टी है ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होगा डियर स्टूडेंट। टाउ वन तो आपको समझ में आ गया, बट टाउ टी क्या है? डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, जो हम W लोड लगाते हैं स्प्रिंग पे उसकी वजह से स्प्रिंग वायर में एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, जो कि बेसिकली क्या होगा अगर आप देखोगे तो वो होगा डियर स्टूडेंट W बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय फोर डी स्क्वायर। सो जो टाउ टी डेवलप होगा वो W बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर होगा डियर स्टूडेंट। इसको बोलेंगे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। और अगर मैं टॉर्जनल शियर स्ट्रेस और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस दोनों को बेसिकली एक साथ कंसीडर करूं तो वो बेसिकली मशीन डिजाइन में हम कंसीडर करते हैं, बट अभी हम टाउ टी को नेग्लेक्ट करेंगे। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम सिर्फ जो स्प्रिंग के वायर में जो शियर स्ट्रेस टॉर्जनल डेवलप होगा टॉर्क की वजह से, इस टॉर्क की वजह से वही प्रेडोमिनेंट मेजर स्ट्रेस हम मानेंगे। बाकी जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है जो कि W बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर होगा उसको नेग्लेक्ट करेंगे, बट याद रखना उसको भी कई बार कंसीडर करते हैं। और हम इसको पहले विदाउट कंसीडरेशन टाउ टी हम अभी एनालाइज कर रहे हैं, और जब हम एनालिसिस को कंप्लीट कर लेंगे फिर हम टाउ टी और एक तीसरा और है टाउ 3, इन दोनों का इफेक्ट भी मैं बेसिकली बता दूंगा, जिससे कि आपको अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बट जनरली हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, वायर में एक टाउ 1 टॉर्जनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा जो कि टॉर्क टी की वजह से होगा। टाउ टी डेवलप होगा जो कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होगा, जो कि क्या होगा? W बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और टाउ 3 क्या है डियर स्टूडेंट? ये भी एक शियर स्ट्रेस है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर ऑफ वायर। डियर स्टूडेंट जो वायर है ना, वायर में बेसिकली कर्वेचर होता है, हेलिक्स होता है ना डियर स्टूडेंट, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में हेलिक्स की वजह से
उसके कर्वेचर की वजह से एक स्ट्रेस डेवलप होगा जो कि हम टाउ थ्री बोलते हैं। इसको हालांकि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट कुछ साइंटिस्ट, कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्स। सो वॉल्स ने क्या किया, स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर ऑफ वायर को भी अकाउंट किया और उसकी वजह से एक फैक्टर बेसिकली उसने डेवलप किया। उस फैक्टर को अगर आप कंसीडर कर लोगे तो ये भी उसमें अकाउंट हो जाएगा अलॉन्ग विद टाउ वन एंड टाउ थ्री। सो मशीन डिजाइन में आपको टाउ वन, टाउ टी और टाउ थ्री तीनों को एक्यूमुलेट करके तीनों का रिजल्टेंट जो आएगा टाउ, जिसको बोलेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द स्प्रिंग वायर, वो लेना होता है। वो हम अभी आपको इसके बाद वाले सेक्शन में बताएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए ना तो हमें टाउ टी जो कि क्या है डब्ल्यू बाई पाई बाय फोर डी टू स्क्वायर, इसको नहीं लेना है। मतलब हमें कंप्रेसिव, हमें बेसिकली कंप्रेस डायरेक्ट शियर स्ट्रेस को काउंट नहीं करना है और ना ही कर्वेचर इफेक्ट को लेना है। कर्वेचर इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और कर्वेचर इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है और सिर्फ टॉर्क की वजह से जो स्प्रिंग के वायर में टॉर्जनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा उसको लेके हम अभी एनालाइज करेंगे, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में यही चीज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कांसेप्ट दिस टाइम। चूंकि स्प्रिंग का जो वायर है वो बेसिकली टॉर्क से सब्जेक्टेड है, तो स्प्रिंग का जो वायर है वो एक स्मॉल शाफ्ट भी तो अज्यूम किया जा सकता है। तो जो हमारे लिए टॉर्जन ऑफ शाफ्ट में क्या फॉर्मूला था, टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यू, तो वही हमने यूज किया। सबसे पहले जो स्प्रिंग के वायर में टॉर्क लगेगा वो डब्ल्यू इंटू आर होगा, डब्ल्यू इंटू आर, और टॉर्क क्या होगा पाई बाय 16 टाउ वन इंटू डी क्यू। ये आपको स्ट्रेंथ फॉर्मूला से पता है, ऑलरेडी मैं टॉर्जन ऑफ शाफ्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां पे जो टाउ होगा डिस्टेंस, जिसको हम टाउ वन बोल रहे हैं, हालांकि अगर मैं टाउ टू टाउ थ्री नहीं लूंगा तो इसको सीधा टाउ बोलूंगा, बट अगर ये भी होगा तब टाउ वन बोलेंगे। तो अभी हम चूंकि ले नहीं रहे तो इसको टाउ वन ना लिख के टाउ लिखते हैं। ये यही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है जो कि स्प्रिंग में डेवलप होगा, ये डब्ल्यू इंटू आर के बराबर होगा। यही वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे हम स्प्रिंग के वायर में शियर स्ट्रेस डेवलप, जो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं क्वेश्चन, पाई बाय 16 टाउ डी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर, तो यहां से टाउ निकालेंगे, यहां से आप टाउ निकालोगे तो कितना होगा 16 डब्ल्यू आर बाई पाई डी क्यू। तो अगर आपको कभी स्प्रिंग के वायर में कितना टॉर्जनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो निकालना है, तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि टॉर्क होता है डब्ल्यू इंटू आर और टॉर्क को पाई बाय 16 टाउ डी क्यू लिख सकते हैं। तो ये एक रॉ फॉर्मेट में ये फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग के एनालिसिस के लिए। नाउ अब हम आते हैं कि स्टूडेंट टॉर्जनल फॉर्मूले को आप अप्लाई करते हैं। टॉर्जनल फॉर्मूला क्या था, पी बाई जे इज इक्वल टू सी थीटा बाय एल इज इक्वल टू टाउ बाय आर। ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं, इसको डिराइव भी कर चुके हैं, कौन से वीडियो में, टॉर्जनल एनालिसिस ऑफ शाफ्ट में। तो वही बेसिकली स्प्रिंग का जो वायर है वो एक छोटा सा शाफ्ट है, तो उस पर हम ये वाला लॉजिक लगाते हैं। डियर स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, पी बाई जे इज इक्वल टू सी थीटा बाय एल, राइट। T by, यहां से बेसिकली हम T को क्या लिख सकते हैं, W into R, अभी हम T को W into R लिख दिया। J, J मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्प्रिंग वायर, क्या होता है डिरेक्शन पाई बाय 32 dq। ये ऑलरेडी आपको पता है कि एक सॉलिड शाफ्ट के लिए जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसको आई जेड जेड बोलते हैं वो पाई बाय 32 dq होता है। सो पाई बाय 32 डिरेक्शन, सो पाई बाय 32 d4 होता है डियर स्टूडेंट, राइट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है mm4, तो ऑब्वियसली पाई बाय 32 d4 होता है। IXX पाई बाय 64 d4, IYY पाई बाय 64 d4, दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाय 32 d4, तो J हो गया ये। C क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग वायर मटेरियल, स्प्रिंग का जो वायर है वो जिस मटेरियल का बना हुआ उसकी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है C। थीटा को एज इट इज रखते हैं, हमारा टारगेट अभी थीटा निकालने का ही है। और L इज लेंथ ऑफ वायर, सो वायर की लेंथ कितनी होगी डियर स्टूडेंट, अगर आप गौर से देखो वायर की लेंथ, हालांकि आपकी फ्री लेंथ है सॉलिड लेंथ है आप भूल जाओ, अभी हमारा ये जो वायर की जो टोटल वाउंड लेंथ है ना वो लेना है, जो कि क्या होगा एक कॉइल का क्या हो जाएगा 2πr, राइट। एक कॉइल का जो टोटल लेंथ होगी वो 2πr, ऐसे हमारे पास कितने कॉइल है n, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 2πrn, ये याद रखना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 2πrn, r इज मेन कॉइल रेडियस और n इज नंबर ऑफ कॉइल्स, तो l की जगह डियर स्टूडेंट हम 2πr into
एन यूज कर देंगे, राइट, एन इज नंबर ऑफ कॉइल। यहां से अगर डियर स्टूडेंट मैं 32 को ऊपर ले लूं तो ये हो जाएगा 32 डब्ल्यू आर बाई पाई डी 4 इज इक्वल टू सी थीटा बाई 2 पाई आर एन। यहां से अगर डियर स्टूडेंट एंगल ऑफ ट्विस्ट मैं निकालूं जो कि हमारा टारगेट है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा डियर स्टूडेंट तो क्या होगा, ये हो जाएगा 64 पाई से तो पहले पाई कैंसिल हो जाएगा 64 डब्ल्यू आर स्क्वायर एन बाई सी डी 4। ये डियर स्टूडेंट ये फॉर्मूला आ जाएगा जो कि आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ ट्विस्ट स्प्रिंग के वायर में जो आप एक्सियल और डब्ल्यू लगा रहे हो उसकी वजह से कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो रेडियन में दे रहा है। क्यों रेडियन में दे रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूले में टॉर्जनल फॉर्मूले में जो थीटा होता है ये रेडियन में होता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको टॉर्जनल एनालिसिस ऑफ शाफ्ट में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। सो थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो कि फॉर्मूला आ गया, राइट। नाउ एंगल ऑफ ट्विस्ट आने के बाद डियर स्टूडेंट जो